पहले तो ये समझना है कि नॉर्मल हेयर क्या है और एबनॉर्मल हेयर क्या है, यानी कि वांटेड हेयर कौन से हैं और अनवांटेड हेयर कौन से। तो महिलाओं का वांटेड हेयर कौन से हैं? सर के बाल, आईब्रोज के, आईलैशेस के। आपके नाक के अंदर बाल होते हैं, कुदरत ने वो बाल दिए हैं। वो इसलिए क्योंकि नाक एक फिल्टर है और आप सांस लेंगी तो मिट्टी के कण बाहर फिल्टर आउट हो जाएं। अनवांटेड हेयर वो हैं जो हम नहीं चाहते। अब सवाल यह है कि वो हम बाल इसलिए नहीं चाहते क्योंकि समाज में प्रचलन है कि वो वाले बाल हमें मंजूर नहीं हैं, या आपको खुद को लगता है कि नहीं, काश मेरे ये बाल नहीं होते, मुझे नहीं चाहिए, या फिर आपको गलत फहमी है कि वो जो बाल हैं वो आपको नहीं चाहिए पर वो कुदरती सही बाल हैं। पर क्या इन सब बालों को रिमूव करने से जो कि बेबी हेयर है कोई फ़ायदा होगा? हाँ, जिसको लगता है उसको फ़ायदा होगा, पर ये भी होता है कि कई बार हम उनको रिमूव करते हैं और हमको उनकी जड़ों में इन्फेक्शन हो जाती है, चेहरे पे या उस स्किन की जगह पे एलर्जी या रैश हो जाती है, पिट सी निकल आती है, तो कई नेगेटिव्स भी हो सकते हैं। आप सबके साथ मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। अनेक अनेक लोगों के साथ आप इसे शेयर करें। आप सबकी लाइक्स अप्रिसिएशन की इच्छा हमेशा ही रहती है। फिर यदि आप में से कोई अपनी पर्सनल प्रॉब्लम मुझसे पूछना चाहते हैं, मैंने सबको बताया कि आप लोग मेरे साथ टेलीमेडिसिन द्वारा कनेक्ट कर सकते हैं। 9999-3600-09 आप कनेक्ट करिए, अपना कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ डालिए, प्रॉब्लम बताइए, मेरे क्लिनिक से आपको संपर्क किया जाएगा और आपको ज़रूर ही दुरुस्त इलाज मिलेगा। ज़रूरत पड़ने पे व्हाट्सएप कॉल भी करी जाएगी, आप अपनी तस्वीरें भेज सकती हैं, डॉक्टरी पेपर्स भेज सकते हैं, जो इलाज चल रहा है वो भेज सकती हैं, दवाइयों की तस्वीरें भेज सकती हैं। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, शब खैर।